हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसे एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यूज़ आप इमेजेस को स्कैनिंग करने के लिए कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन जो कि जो इमेज स्कैनिंग क्लियरिटी है वो बहुत ही क्लियर और अच्छी है। और इसका एक दूसरा यूज़, जो हम इमेजेस को स्कैनिंग करते हैं उस इमेजेस को आप इसी एप्लीकेशन में पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन से हम इमेजेस को स्कैनिंग करना और उनको इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ये दोनों जो टास्क है वो एक ही एप्लीकेशन में कर सकते हैं। सो एक बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर इमेज स्कैनिंग और टू मेक पीडीएफ। अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस एप्लीकेशन का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं भी इसी एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ जो मेरी स्टडी है, जैसे उसको जो इमेजेस निकाल कर उनकी पीडीएफ बनाकर सबमिट करने के लिए। सो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर रेफर कर सकते हो। तो चलो एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है वी फ्लैट। आपके सामने इस आइकॉन का जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन की आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन है। 5 मिलियंस डाउनलोड है और इसकी जो रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। तो इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड किया है, चलो इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करते ही इसको यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप जो इमेजेस की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़ोटो ले रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करके आप फ़ोटो ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेजेस का जो इसने जो स्कैन किया है इमेजेस को, वहाँ पर हमें इमेज को क्रॉप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एप्लीकेशन ही उस इमेजेस का जो एरिया है वो जो नेसेसरी एरिया को कैप्चर करता है और हमें एक बहुत अच्छी आउटपुट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जो इमेज की क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ये सब बेस्ट है। सो इसके बाद इस एप्लीकेशन में आप यहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर आपके जो डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो आप की जो डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ है वो आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में कलेक्ट कर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट्स है वहाँ पर क्लिक करके जो एप्लीकेशन का जो कैमरा है उसकी सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर फिर फ्लैश लाइट हो, आपका जो टाइमर और वो सभी सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमने इमेजेस निकाली हुए हैं उनकी पीडीएफ कैसे बने, तो हमें उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर को हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं इस फोल्डर में गया हूँ और यहाँ पर जो इमेजेस है उन सभी इमेजेस को सिलेक्ट करना है, और आपको जो इमेजेस को कन्वर्ट करना है उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखा देंगे, पीडीएफ फाइल, जीप फाइल एंड TXT। सो यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ से भी आपकी जो इमेजेस है उन्हें मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ से आप अपने जो पीडीएफ का नेम है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यही रहने देता हूँ और इसके बाद जो क्वालिटी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर पीडीएफ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। अब आपकी जो इमेजेस है वो यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो तो पीडीएफ हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। और यहाँ से आप जो पीडीएफ है उसको ओपन भी कर सकते हो और यहाँ से शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके उस पीडीएफ को आप जिस एप्लीकेशन पर आपको उसे शेयर करना है वहाँ पर शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो क्लासरूम का ऑप्शन अब आ चुका है। सो यही थी आज की वीडियो। ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है, अगर आप भी ऐसे एप्लीकेशन के खोज में हो तो इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर यूज़ करना, बहुत ही बेस्ट और यूज़फुल एप्लीकेशन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, और आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।